तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यूज़ मैन चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो जिन लोगों को शमशेरा मूवी अच्छा नहीं लगा, जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उसके लिए लक्ष्य चौधरी ने ट्वीट किया कि इफ शमशेरा वाज ए साउथ इंडियन फिल्म, आधी जनता पागल हो जाती इसकी तारीफ करने में। इट्स ए ग्रेट मूवी, ए फुल पैक। तो भाई हमने तो अभी तक नहीं देखी है, लेकिन आप लोगों में से कोई देखे हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि मूवी कैसी लगी। तो बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। तो अगला अपडेट है मैक्स स्टर्न से रिलेटेड। उन्होंने सोशल मीडिया से जानकारी दी, बड़ी जानकारी दी कि उन्हें बिग बॉस से इनवाइट आया है। उन्होंने लिखा कि जस्ट गॉट एन इनवाइट फ्रॉम बिग बॉस, जिस पर रिएक्ट करते हुए आज तक के एंकर शुभांकर मिश्रा ने रिप्लाई किया कि लास्ट ईयर मैं को भी बुला रहे थे। तो फिर उस पर मैक्स स्टर्न ने रिप्लाई किया, मैं भी नहीं जाऊंगा, वैसे उससे बड़ा प्रोजेक्ट में बिजी हूं मैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगला अपडेट की ओर। अब हम बात करते हैं फुकरा इंसान और पायल जोन के बारे में। दरअसल फुकरा इंसान पायल जोन को लेकर एक डिस गाना रिलीज कर दी है, जिसका टाइटल है पायल जोन डिस। उन्होंने इसका पोस्टर शेयर किया और फनी में लिखा कि यह डिस गाना नहीं है। फिर उन्होंने आगे लिखा कि इतना नाम भी नहीं करना था, मैंने तो मजे मजे में बना दिया ऐसा रिस्पॉन्स, अब इस पे रील्स मत बनाना। और तो और दोस्तों उस पर पायल जोन का भी रिप्लाई वीडियो आ गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रिप्लाई था। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं अब शिवम मलिक के बारे में, जो कि काफी फेमस शॉर्ट्स क्रिएटर है। तो बात यह है कि उनके नाम से स्कैम हो रहा है, उनके नाम से फेक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वीडियो देख लीजिए। आप लोगों ने आज तक मुझे शांत देखा है, पर अगर बात मेरे फॉलोअर्स पे, सब्सक्राइबर्स पाए, उनकी लाइफ पाए, तो मैं ये चीज सहन नहीं कर पाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से मुझ पे ईमेल्स आ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के, फॉलोअर्स के, कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं मेरे नाम पर। मेरे नाम की कोई फेक आईडी चला रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये स्क्रीन पे उस आईडी का नाम है, आप देखिए। और किसी से 20,000, किसी से 2,500 रुपए वो ले रहा है, और सब लोगों को ट्रस्ट है कि ये तो शिवम भैया की आईडी है, शिवम भैया बोल रहे हैं तो सही होगा। और ये बोलता है कि आपके पैसे डबल करा दूंगा मैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी, आप मुझे 20,000 देंगे तो मैं आपको ज्यादा दूंगा। अब सुन, अगर तू ये वीडियो देख रहा है, सिर्फ 3 दिन है तेरे पास, जितनों से भी पैसे लिए हैं तूने झूठ बोल के सबके पैसे लौटा दे, पुलिस कंप्लेन भी होगी, साइबर क्राइम में भी जाऊंगा मैं, सारे प्रूफ है मेरे पास, जो तूने बैंक के खाता नंबर दिया ना कि इसमें पैसे भेजो, A to Z चीज है, बाहर नहीं निकल पाएगा फिर तू। मेरे फॉलोअर्स पे इतनी सी भी आ जाएगी सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। और आप सब लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, प्लीज किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को ऐसे पैसे ना भेजें। दोस्तों हम बात करते हैं इलविस यादव के बारे में। दरअसल कुछ दिन पहले जब जयपुर में इलविस यादव का मीटअप था, उस समय काफी प्रॉब्लम्स आई थी, अच्छी मैनेजमेंट के न होने की वजह से काफी सारा भीड़ इकट्ठा हो गया था, वो अपने सब्सक्राइबर से मिल भी नहीं पाए थे, भीड़ इतना हो गया था कि पुलिस को भी आना पड़ा था। अब कल उनका नेक्स्ट मीटअप लखनऊ में है, उसी को लेकर उन्होंने वार्निंग देते हुए क्या कुछ कहा आप वीडियो देख लीजिए। ऐसा कोई चक्कर नहीं कि भाई पैसे दे के अंदर मिलना है मेरे से, ऐसा कोई सीन नहीं है, बस एक छोटा सा काम करते हैं। जैसे जयपुर में मेरे से जो गलती हुई थी ना, मतलब जो इतना सब कुछ हो गया था, वैसा मैं करना नहीं चाहता, इसलिए एक फॉर्म है, लिंक पे क्लिक करके बस फॉर्म भर देना, नाम नंबर ऐसा कुछ लिख रहा होगा उस पे वो भर देना, और कुछ नहीं है पैसे। देखो एक मैसेज ना मेरे पे बहुत ज्यादा आ रहा है कि एल्विस भाई हम पे गाड़ी नहीं है। भाई मुझे नहीं पता लखनऊ में कहाँ पे है, कौन से कोने में है, बट तुम्हें आना पड़ेगा मेरे लिए यार। दोस्तों हम बात करते हैं अब राउंड टू हेल के बारे में। तो राउंड टू हेल एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें बार बार यूट्यूब की तरफ से येलो साइन मिल रहा है, और येलो साइन क्रिएटर्स के लिए काफी खराब माना जाता है, इससे उनका चैनल डीमोनेटाइज्ड भी हो सकता है। तो उसी पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने स्टोरी में लिखा कि यूट्यूब इंडिया यू टेल अस वेदर वी शुड अपलोड आवर वीडियो ऑन यूट्यूब और नॉट, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड आफ्टर दैट वी गेट द येलो साइन दैट इज इक्वली डीमोनेटाइज्ड, ड्यू टू दिस वी आर इंक्लूडिंग ए लॉट ऑफ लॉस, इट सीम्स द हार्ड वर्क इज गोइंग इन वैन, वी अंडरस्टैंड द टर्म एंड पॉलिसी ऑन वल्गैरिटी और वल्गर लैंग्वेज, बट वी कांट चेंज
चेंज द ब्लड कलर यू नो ए प्रॉपर वीडियो नीड्स एक्शन ड्रामा एंड सो यूज अ ब्लड एवरी क्रिएटर फेसिंग दिस इज सो बेसिकली ब्लड का जो इस्तेमाल वो अपने वीडियो में करते हैं उसी को लेकर ये येलो शाइन यूट्यूब की तरफ से आता है उनके चैनल पे। तो उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि सारा मेहनत बेकार जा रहा है। हम अश्लीलता और अश्लील भाषा से रिलेटेड रूल्स को तो समझते हैं कि हम खून का रंग नहीं बदल सकते हैं। आप जानते हैं कि एक अच्छे वीडियो के लिए एक्शन ड्रामा के साथ साथ ब्लड की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी वीडियो बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल ब्लड का वो यूज करते हैं उसी के बारे में वो बोल रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सौरभ जोशी से रिलेटेड। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सौरभ जोशी का दो चैनल है, आर्ट से रिलेटेड है, जिस पर लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर है। इस चैनल पे वो एक साल पहले एक्टिवेट हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि वो दोनों चैनल को एक साथ मैनेज करेंगे और उस चैनल पे भी रेगुलर आर्ट वाला वीडियो रेगुलर लाएंगे। तो दोस्तों हम फिल्मी रिलेटेड अपडेट से कुछ बात करते हैं। तो दोस्तों एक तमिल का एक्टर है जिसका नाम है विष्णु विशाल, उन्होंने भी रणवीर सिंह को फॉलो करते हुए अपनी सोशल मीडिया पर सेमी न्यूड फोटो अपलोड कर दिया। उसको अपलोड करते हुए उन्होंने लिखा कि वेल ज्वाइनिंग द ट्रेंड PS also when wife गुट्टा वाला turns photographer। तो दोस्तों इस पे आपको क्या कहना, क्या आप भी इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, क्या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।